अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और देखो अभी मेरी हो चुकी है सुबह, मैं नाश्ता करके ऊपर आई हूँ और अब कर रहे हैं हम काम घर का। और आप मेरी आँख देख सकते हो कितनी सूजी सूजी है, इसलिए है कि राजी वैसे तो मुहर्रम चल रहा है तो कोई भी लड़के घर पे जल्दी नहीं आते, तो राजी बहुत ज़्यादा लेट आता है 3 बजे सुबह 4 बजे, तो मुझे भी नींद नहीं आती अकेले में कभी कभी। मैं फिर ज़्यादा सच बोलूँ ना तो मैं डरती हूँ रूम में, तो अकेले में नहीं रिमसा होती है बट मेरे साथ 1-2 बजे तक रिमसा होती है, फिर 1-2 घंटे तक मैं राह देखती रहती हूँ ना, तो इसलिए मैं भी जग रही होती हूँ, इसलिए मैं घर में जग रहती हूँ। तो बस जग जग के मेरी आँखें इतनी सूज गई है। और अभी मैं कर रही हूँ काम, और मेरे सासू मम गए सब घर का राशन लेने के, लास्ट 2 दिन है तो फिर 2 दिन में सब बंद रहेगा। अभी तो मुहर्रम के लास्ट दो दिन ही है तो फिर सब बंद रहेगा ना, तो उसके पहले वो बोल रहे थे सब लेके आओ और फिर कल से रोज़ा भी होगा 2 दिन का। मैं भी रहती हूँ लास्ट 2 दिन, सब रहते ही होंगे माशाल्लाह। तो बस तो उसके लिए वो बाहर सब लेने गए, नीचे रिमसा है वो भी काम कर रही है, मैं ऊपर का सब कर रही हूँ। तो बस, और राजीन आ चुका है अजमेर से माशाल्लाह, कयूम और राजीन कल ही आ गए। मैं उसका बैग वैग खाली किया और उसमें से सब कपड़े वपड़े निकाले हैं, अब ये नीचे धुलने के लिए ले जाऊंगी और रूम में कर रही हूँ क्लीन। तो बस चलो। और कोको क्या कर रहा है? ओए देखो सुन रहा है, उसका सब सुनते हैं, मेरे भी वहाँ पे सुनते, ये भी सुनते हैं। कोको उसको बाहर निकलना है, क्या कर रहा है? ये हमारे यहाँ का कोको है, कोको। तो चलो बस अब मैं काम करती हूँ, कपड़े वपड़े सब नीचे लेके जाती हूँ मैं, और बस आप रहो हमारे साथ साथ। वो हमारे रिमसा का रूम इस तरह से पड़ा होता है और सामने कपड़े भी पड़े, तो वो भी मैं अच्छी तरह से सबके कबाट में रख देती हूँ। जो इस्त्री में लेने हैं वो इस्त्री के मैं अलग निकालूंगी। तो बस ये सब मैं काम पहले करती हूँ, ये रूम पहले क्लीन करती हूँ। फिर मेरी नहीं आएगी मम्मा, इस तरह से बोल रहे हो कि सामने लंगर चल रही है नहीं आज उसे, और उसमें है पानी पूरी और कयूम को और पापा को भेजा है सब खा रहे मसाले के बिना पानी पूरी होगा होगा कहीं अलग से होगा होगा। देखो यहाँ पे पानी पूरी और इस तरह से है नियाजे हुसैन माशाल्लाह, और मम्मी को बहुत ज्यादा मन हुआ था और हम चाह रहे थे। मुझे इस बाहर कुछ नहीं सुनाई देगा मम्मी, बंद कर दो। मैंने ना इस बार मैंने नियाजे नहीं खाई, और मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि अपने लंगर के नियाज खाना, लंगर के नियाज खाना, तो मैंने कहा चलो ये खा लो। हाँ। बाद में तो बाहर निकल यार, अब लोग चालू है और पापा भी एक साइड पे। हाँ बोल मम्मी। अब पास में तो 2-3 दिन बाहर निकलूंगी नहीं, घर में रहूंगी। आज तुम चाह रहे ना हमारे फ्रॉटी फ्रूट, तो मैंने कहा ये देखा ना, तो मैंने कहा खा लो। हाँ रास्ते में सभी जगह पे है नियाज माशाल्लाह, यहाँ पे शांति से दे रहे हैं, सुकून से दे रहे हैं। हाँ तुम पानी पूरी खा रहे हैं, सब मसाला नहीं है, वो समझ में नहीं आई कुछ बात, वो क्यों मसाला पूरा तय। अच्छा होगा तो सही मम्मा, बट खत्म हो गया। हाँ हाँ अच्छी बात है। चलो तो भी हम खा रहे, और कयूम तो नहीं खाएगा। तो देखो अभी हम हवा खा रहे है ना, यहाँ बयान भी सुना रहे, मसाला सुना रहे, सुन रहे हम, आवाज आ रही है यहाँ तक। तो देखो यहाँ पे कितना पानी पानी बारिश आई, कैसा होगा तो फिर देखो रात को राजीन कयूम सब गए थे, तो हमारे गेड़ू रात के दिन इस तरह से माशाल्लाह सब होता है, तो वो सब शूट करके लेके आए थे, तो आप सब देखो थोड़ा बहुत। Yeah.
next day. यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है और यहाँ पे टेंशन में खड़े हुए मिस्टर राजी। हाँ, लास्ट दो दिन ही आई, इसीलिए माहौल बहुत गंभीर हो चुका है। जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। ऑफ हो चुका है, सब लड़के का और सबका हो चुका होगा। लास्ट दो दिन में बारिश, हाँ बहुत ज्यादा है, इसमें दिख भी नहीं इतनी। ओ विजय नहीं खाई थी, खाई थी और रिचड़ी लाइटों में खबर ना पड़े राजी। तो चलो तो देखो अभी मैं जा रही हूँ अपने अम्मी के घर पे और राजिन को देख लो कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है राजिन? कुछ तो कह रहा है थी। नहीं बोल दे, अब सच सच बोल दे, क्या कह रहा है? देखा उसका मुंह, देखा आपने? रोजा रह के फिर से सो गया था, आंखें देखो उसकी। और मुझे हो रहा था लेट के मैं जाऊंगी अम्मी के घर पे। क्यों जाऊंगी मैं वहां पे? मानता कुछ नहीं है, खुशी खुशी से जो वो बोलते ना हमारे में जोखना, वो होता है, वो सबको पता है। जो एक साल से हमारे साथ जुड़े हुए है हमारे सब्सक्राइबर, उन सबको पता वो है, राजीन को ही नहीं पता। मन्नत है? वो जो बांधते हो हर साल। मन्नत नहीं है, खुशी से मेरी मम्मी करती है मेरा और कयूम का। अभी मैं जा रही हूँ अम्मी के घर पे, तो बस आप रहो साथ। रोजा तो हमने कब से खोल लिया, बट बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, हम निकल नहीं पा रहे थे घर से बाहर। तो बस अभी हम जा रहे हैं, अभी भी कयूम हमें लेने आ रहा है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। तो चलो, यहाँ पे हमारे ये नमक की वो, इसको क्या बोलते हैं मम्मी? बाछी नहीं, और क्या बोलते हैं? गुनी, गुनी, हाँ जो भी बोलते हो वो देख लो आप सब। कयूम ले जा रहा है, देखो उसमें। हाँ तो वो ले जा रहा है उसमें। तो अभी हम, आप सबको पता है जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उन सबको कि मेरी मम्मी हम दोनों को और किड्स को सबको झोंकती है ना। तो माशाल्लाह देखो आज सरगस रात भी हो चुकी है, मैं भी आ गई हूँ और लाइट नहीं थी तो हम बैठे थे, इसलिए हम नहीं जा रहे थे। तो जल्दी जल्दी जाते हैं वरना फिर से लाइट चली जाएगी। लाइट आती है जाती है, बारिश के हिसाब से चली जाती है इस तरह से। और मम्मी ने लड्डू भी किए हुए हैं, तो लड्डू भी हम, हमारे वहाँ पे दुलदुल घोड़ा है, वहाँ पे हम जाके पेश करेंगे, हाँ हमारे गली के है ना, तो हमारा फर्ज है ना। दूसरे ना हम खाएंगे, हाँ हुसनैन के नाम पे जी। चलो तो अभी हम जाते हैं। तो देखो यहाँ मेरी मम्मी ने लड्डू बनाए हैं, अब हम लेके जा रहे हैं माशाल्लाह, है ना मम्मी? चलो, और यहाँ पे देखो कितने सारे माशाल्लाह नारियल सब आ चुका है। अभी सब हम वहाँ पे लेके ही जाएंगे और सबको, इस लोगों को लास्ट क्लास में ले जाएंगे। देखो ये छोटू हमारा, इसको भी ले जाएंगे। तो चलो अभी हम जाते हैं।
सुबह बज रहे सुबह के 4 और मैं कर रही हूँ सर्दी। माशाल्लाह मम्मी ने मुझे रोटी बना के दे दी है। अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। आज दूसरा रोज़ा है तो बस आप सब भी दुआ में याद रखना। तो चलो अभी मैं रोज़ा रख के सो जाऊँगी और दोपहर को उठूँगी। दोपहर को उठ के फिर हम जाते हैं चांदी के ताजिए पे माशाल्लाह सलाम करने, दुआ सलाम। तो बस आप सब रहो हमारे साथ साथ। और ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।